हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है प्रीवियस एक्सरसाइजेस के, या इस एक्सरसाइज का, ठीक है, या फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगली एक्सरसाइज 4.4 का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर के, अगर आप मद्देनजर देखो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एक्सरसाइज है, क्योंकि वहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज वर्ड प्रॉब्लम्स में ही होते हैं। तो उस एक्सरसाइज का भी लिंक है ना, और प्रीवियस एक्सरसाइज का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 4 में क्लिक करना है ना लिंक में, तो आपको पूरे इस चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब, और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद एक्स इक्वल टू 2, यानी कि स्टार्ट करो एक्स इक्वल टू 2 से और 3 इक्वेशन बना दो आप। ठीक है, और उसी तरीके से एक्स इक्वल टू माइनस 2 से स्टार्ट करके भी 3 इक्वेशन बनाना है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में इक्वेशन दिया है होना वही आपको यहाँ पर इक्वेशन लाना है। देखो, इक्वेशन बनाना यानी कि आप बहुत सारे एक्स इक्वल टू 2 से इक्वेशन बना सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पर जो एक्स इक्वल टू 2 है ना, इससे मैं कुछ अलग इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ आपको, सिखा देता हूँ कि अलग इक्वेशन कैसे बनाना है। और एक्स इक्वल टू जो माइनस 2 है, इसमें आपके जो बुक में जो आंसर्स दिए हुए हैं ना, उसी को मैं आपको समझा दूंगा कि वहाँ पर जो इक्वेशन बना है वो कैसे बना है। तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि आप अलग इक्वेशन बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, और अगर बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसको लाना चाहो तो उसको भी ला सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो सीखते हैं कि हम लोग एक्स इक्वल टू प्लस 2 जो हमारे पास है, पॉजिटिव वाला 2 है, इससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास है एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या कर लो कि मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड में किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल 5 का, 6 का, किसी का भी आप मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग है ना, किसे कर ले, 5 से कर ले, तो मान लो, तो मल्टीप्लाइंग 5 इन बोथ साइड, हम दोनों साइड में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी काम करोगे आपको दोनों साइड में करना है ना, केवल एक साइड में अगर आप प्लस माइनस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से पढ़ना समझाना शुरू कर दिया है कि जो हमारा इक्वेशन होता है वो बैलेंस रहता है, जो भी हम काम करते हैं वो दोनों साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमारा कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5x इक्वल टू 2 × 5 = 10। ये देखो, एक इक्वेशन बन गया, बस इतना ही करना है आपको। ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन आप लिख दो कि ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, डैश करके। अब दूसरा हम इसी में इक्वेशन बनाना है ना, तो आप इसी को आगे बढ़ाओ, ये नहीं कि आपने यहाँ से शुरू किया, आप इसी को आगे बढ़ा दो। तो इसमें हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ माइनस कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया ना, अब आप इसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ पर आप लिख लो माइनस, ठीक है, कितना करना है, मान लो इसे हम लोग 2 कर लेते हैं, तो -2 इन बोथ साइड, ठीक है, हम लोग दोनों साइड से 2 को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से 5x माइनस 2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा 10 भी माइनस 2 हो जाएगा। तो इधर सॉल्व हो रहा है, इधर सॉल्व कर लो, ये तो 5x माइनस 2 का माइनस 2 ही रहेगा, इधर हमारा 8 हो जाएगा 10 में से 2 माइनस होकर। तो देखो, यह भी हमारा इक्वेशन बन गया, तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखा आपने, सिंपल इक्वेशन ये बनते जा रहा है, और कुछ करना ही नहीं यहाँ पर, बस दोनों साइड में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से करते जाओ, सब डिवाइड कर लेते हैं मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो कि डिवाइड है ना, डिवाइड बाई 3। ठीक है, हम लोग दोनों साइड अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं 3 से। तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा, ये देखो 5x है, तो ये 5x बाई में 3 हो जाएगा, -2 है तो वो भी -2/3 हो जाएगा, और इक्वल के 8 से, इधर हमारे पास 8 है तो ये 8/3 हो जाएगा। दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड दिया, तो ये भी एक नया इक्वेशन बन गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। देखा आपने कितना सिंपल है, तो बस ये हम 3 इक्वेशन बनाना था, हमने 3 इक्वेशन बना दिए। अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी में, जब हमारे पास -2 दिया रहा है, ठीक है, अब देखो मैं आपको जो सेकेंड वाला है ना, आपको जो बुक में आंसर दिए हुए हैं वो मैं आपको लाके दिखाता हूँ कि आपको उस टाइप से, मान लो जब आंसर ही लाना है बुक वाला ही सेम, तो अब आप कैसे ला सकते हो। तो बी में हमको कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपके बुक में इक्वेशन दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 3x - 6 में दिया हुआ था, ठीक है ना, इक्वल टू -6। तो आप क्या करो, दोनों साइड में हमारा 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो मल्टीप्लाइंग 3 इन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3x आ जाएगा, राइट हैंड साइड में -2 × 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3x इक्वल टू 2 × 3 = 6 होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया हमारा -6। यही आपका इक्वेशन नंबर 1 दिया है आंसर शीट में, आप देख सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से आपको जो अगर आंसर शीट वाला लाना है तो ऐसे ला सकते हो। ठीक है, उसके आगे देखो, अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगले में आप क्या करो, ऐड कर दो 7 को। यहाँ पर आप क्या करना, इस पहले माइनस किया था हमने ना, अभी हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो ऐड 7
इन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करने वाले हैं, सेवन ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा 3x है पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें भी 7 प्लस कर दो, और इक्वल के उस साइड में -6 है ना, उसमें भी प्लस 7 कर दो। तो ये तो हमारा 3x प्लस 7 ही रहेगा। इस साइड में हमारा कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 7 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 1, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो साइन प्लस की रहेगी, ये ध्यान रखना। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2, और यही इक्वेशन आपके बुक में दिया हुआ है। अगला इक्वेशन बना लेते हैं इसी के आगे। तो इसमें फिर आप क्या करो, अगले इक्वेशन बनाने के लिए जैसे बुक के हिसाब से अकॉर्डिंग ही आपको बनाने आंसर लाना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो आप ऐड 3 इन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करें, ऐड कर रहे हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि आपने एक बार माइनस कर दिया तो दोबारा आप माइनस नहीं कर सकते, आप दोबारा भी माइनस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ऐड हमने एक बार किया 7, अब हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, 3 भी ऐड कर रहे हैं, दो बार ऐड हो रहा है ना, तो आप ऐड भी कितनों बार कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कितनों बार कर सकते हो, जरूरी नहीं केवल एक बार करके आपने छोड़ दिया। वो तो बस मैं आपको समझा रहा था कि आप मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस करो, चाहे डिवाइड करो, कैसे भी करोगे तो आपका इक्वेशन बन ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3x प्लस 7 पहले से है, इसमें 3 ऐड कर दो, और इक्वल के उस साइड में 1 पहले से है, उसमें 3 ऐड कर दो। तो ये हमारा 3x प्लस में 7 और 3 10 हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1 और 3 4 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो इस तरीके से आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप अपने मन से भी इक्वेशंस बना सकते हो, और जो बुक में दिया हुआ आंसर्स उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होता है यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनाना, कुछ करना ही नहीं है, बस दोनों साइड में जो भी काम करना है आपको दोनों साइड करना है, और आपका इक्वेशन बनता चला जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है ना उसको मैं आपको सॉल्व करना एकदम डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।